ये जो जख्म जम्मू कश्मीर को लगे इनको भरने का वक्त आ गया है और अल्लाह ताला ने उस सूरत में हमें एलजी साहब को यहाँ भेजा है। इस मौके पे मौका भी है और मुझे लगता है ये डिजर्व भी करते हैं दोनों हमारे ऑफिस जो बैठे हुए हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर एक्सलेंस अवार्ड इस बार यूनियन टेरिटरी को मिला आपकी काउंसिल का आपकी कोशिश का नतीजा है। एलजी साहब की सदारत में उनकी लीडरशिप में जो ये सब मुमकिन हो पाया है तो मैं आपको बार बार पेश करती हूँ कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो और उसमें जितना आपको पब्लिक स्पोर्ट की ज़रूरत है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मैं कहूँगी उस स्पोर्ट की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह वो स्पोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मिलजुल के जो है इस मिशन को आगे ले जाना है। कितनी भी तरक्की करें कितनी भी तामील करें अगर अमन नहीं होगा तो बेफायदा है। तो मुझे लगता है कि हम सब जो है इस मिशन यूथ के साथ हैं कि आपने जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स को छोड़ के जम्मू कश्मीर के लिए जो किया है हम हमेशा दिल से उसका जवाब का शुक्रिया अदा करेंगे और कहते रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं बट यकीन करें आप जिससे तक इंटेंशन सही हो जिस तक मुद्रा मकसद सब जो है इसमें जितना काम हो सकेगा उतना काम किया जाना चाहिए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आउटरीच है ये सबसे बड़ा हीलिंग टच प्रोसेस है ये सबसे बड़ा है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को जो है ओन करें और ओनरशिप राइट हम देते हैं। ये जो जख्म जम्मू कश्मीर को लगे इनको भरने का वक्त आ गया है और अल्लाह ताला ने एक सूरत में हमें एलजी साहब को यहाँ भेजा है और हम मिलजुल के ये जख्म भरेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला नौजवानों को एक ब्राइट फ्यूचर देंगे। कहा कि कामयाबी जो है ये मिल ही जाती है जब इंसान मेहनत करे इसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये हाथ है इस हाथ में तकदीर की लाइन है तो हमारी तकदीर इससे बनेगी। कुछ लोगों के हाथ नहीं होते फिर भी तकदीर बन जाती है तो हमने मेहनत वहीं से स्टार्ट करनी है।